कैसे हो आप? स्टॉक पॉइंट में आप सबका स्वागत है। तो आज हम प्रोटेक्स में ट्रेडिंग करेंगे और 200 से कंपाउंडिंग करेंगे, तो देखते हैं कुछ बढ़िया सी अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो हम ट्रेड लेंगे। ओके, तो ठीक है, मैं यहाँ पर एक सेल साइड का ट्रेड लूंगा। तो मैंने यहाँ पर एक सेल साइड का ट्रेड ले लिया। क्यों लिया? देखो, यहाँ पर ऑलरेडी सेलर सीन हुए थे और ये जो एरिया एक सेलर्स का एरिया, यहाँ से भी सेलर्स आए थे, यहाँ से भी सेलर्स आए, तो मेरे हिसाब से चांसेस है कि इसके बाद एक रेड कैंडल यहाँ पर भी आना चाहिए, तो इसलिए मैंने यहाँ पर एक सेल साइड का ट्रेड लिया। सिंपल सा ट्रेड, वेट करते देखते क्या होता है इसके अंदर। फिलहाल के दौर में यहाँ पर सेलर्स आ रहे हैं। ठीक है, ओके, अगर ये लॉस होता है तो हम शुरू से कंपाउंडिंग करेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि हम जो ट्रेड करते हैं अपने हमारे मनी मैनेजमेंट के हिसाब से करते हैं, तो लॉस भी होगा तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर मैंने ट्रेंड पे इतना फोकस नहीं करा था, ट्रेंड अप था उसका, तो ठीक है, गलती हो गई हमसे। ओके, देखते वेट करते हैं कुछ दूसरी अपॉर्चुनिटी मिलेगी। एक लॉस हो चुका है, जहां पर मुझे कंफर्म लगेगा मैं वहीं पर ही ट्राई करूंगा ट्रेड लेने का, फालतू में ट्रेड नहीं लूंगा, सब कुछ देखने के बाद ही ट्रेड लेंगे। ठीक है, मैं यहाँ से एक बाय का ट्रेड लूंगा क्योंकि ट्रेंड अप है और वो जो रेड कैंडल की कैंडल बनी वो एक रिट्रेसमेंट कैंडल बनी थी, तो ठीक है, यहां से मैंने बाय कर लिया, एक और ट्रेड लूंगा। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे एक और ट्रेड ले लिया क्योंकि जो लॉस हुआ वो भी रिकवर हो जाएगा। यहाँ पर अगर आप देख सकते हो, यहाँ पे जो ट्रेंड है वो अप है और सेलर के एरिया से जो सेलर्स आए वो स्ट्रॉन्ग सेलर्स नहीं आए। अगर वहां पर सेलर्स स्ट्रॉन्ग होते तो ये प्रीवियसली जो ग्रीन कैंडल बनी है ना उसको वो कैंडल इंगल्फ कर लेता। ठीक है, तो यहाँ पर सेलर इतने खास स्ट्रॉन्ग नहीं है तो ये एक रिट्रेसमेंट कैंडल हो सकती है, इसलिए मैंने यहाँ पर एक बाई साइड का ट्रेड लिया। देखते हैं, 8 सेकंड बाकी है इसके अंदर और मेरे हिसाब से ट्रेड विन हो जाना चाहिए। ओके, तो फर्स्ट ट्रेड हमारा विन हो चुका है। यहाँ पर एक और ग्रीन आ सकती है क्योंकि अभी गैप बाकी है और कैंडल हैमर बनी है, लेकिन यहाँ पर अभी हम रिस्क नहीं लेंगे, हो सकता है रेड ग्रीन टाइप भी पैटर्न बन जाए वहां पर। ठीक है, ओके, ठीक है, यहाँ पर देख सकते हो एक अच्छा खासा मोमेंटम डाउन चल रहा है इस जगह पर और हो सकता है कि यहाँ पर एक दो ग्रीन कैंडल रिट्रेसमेंट के तौर पर बन जाए यहाँ पर। यहाँ पर रेड ग्रीन पैटर्न फॉलो कर रहा है मार्केट अभी तो। ठीक है, जहां कंफर्म लगेगा वहीं ट्रेड लेंगे, आराम से ट्रेड लेंगे, बैक टू बैक ट्रेड लेने की कोई जरूरत नहीं है। जहां श्योरिटी लगेगी कि यहाँ पर ऐसा हो सकता है वहीं ट्रेड लेने का ट्राई करेंगे, वेट करते हैं। ओके, ठीक है, यहाँ पर भी अगर आप देखोगे स्ट्रॉन्ग सेलर्स के बाद यहाँ पर बायर्स आ रहे हैं। अगर आप ध्यान से देखोगे तो हर स्ट्रॉन्ग सेलर्स के बाद बायर्स आ रहे हैं, तो यहाँ पर अगर इस लेवल के पास आता है, मैं यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ करता हूँ, अगर यहाँ पर अगर बायर्स मतलब ये कैंडल इसको टच करती है तो हम यहाँ से बाय का ट्रेड ले सकते हैं, अगर यहाँ टच करती है तो, वो नहीं करेगी तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, वेट करेंगे। ठीक है, यहाँ टच नहीं करा, जो हमने सोचा वैसा नहीं हुआ, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, वेट करते हैं। ओके, यहाँ पर भी एक हैमर टाइप की कैंडल बन रही है। कैंडल गैप डाउन ओपन हुई है और जो बायर्स है वो और भी नीचे है, तो यहाँ पर एक रेड कैंडल आ सकती है, लेकिन जो ट्रेंड है वो अप चल रहा है तो रिस्क नहीं लेना है, जहाँ शोर लगेगा वहीं ट्रेड लेंगे यहाँ पर, क्योंकि ट्रेंड अप है और ट्रेंड के खिलाफ नहीं जाएंगे हम। ठीक है, यहाँ से एक बाय का ट्रेड बनेगा तो मैं बाय का ट्रेड लूंगा क्योंकि यहाँ पर ट्रेंड अप चल रहा है और एक सपोर्ट एरिया है, वो पहले सेलर स्ट्रॉन्ग आया था वीक है और ट्रेंड यहाँ पर देख सकते हो एक हायर हाई बनाने का ट्राई कर रहा है और एक सपोर्ट एरिया है इस जगह पर, तो यहाँ से चांसेस है ग्रीन ही कैंडल बने, इसलिए मैंने यहाँ पर एक बाय का ट्रेड लिया। देखते हैं, यहाँ पर तो अच्छे खासे बायर्स आ चुके हैं, वेट करते हैं, 20 सेकेंड बाकी है।
आपको भी इसी तरह से जहां पर कंफर्म लगे और मार्केट में सपोर्ट रेसिस्टेंस देखकर ही ट्रेड लो, और मार्केट जितना हो सके मार्केट के ट्रेंड के साथ ही ट्रेड लो। ठीक है, कैंडल ने पूरा इंगल्फ कर लिया, हो सकता है कि इसके बाद एक और ग्रीन कैंडल आ जाए क्योंकि ट्रेंड भी अप है और कैंडल भी इंगल्फ हुई है। लेकिन यहाँ पर मुझे क्या डाउट है, एक सेलर्स का एरिया है जहां पर कैंडल ने एक रिजेक्शन खाकर क्लोजिंग दी है। ये एरिया जो है एक सेलर्स का एरिया है। ठीक है, मैं ड्रॉ करके बताता हूँ। अगर कैंडल इस लेवल के ऊपर क्लोजिंग होती तो हम बेझिझक यहाँ से बाय करते, लेकिन यहाँ पर नहीं कर सकते बाय क्योंकि ये सेलर्स का एरिया है। तो देखते हैं। ओके, कुछ अपॉर्चुनिटी, अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलेगी वहीं ट्रेड लेने का ट्राई करेंगे। ठीक है, यहाँ पर भी कैंडल गैप अप के साथ ओपन हुई है, वेट करते हैं। ठीक है, अभी तक मुझे कोई अपॉर्चुनिटी नहीं मिली है तो देखते हैं। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना, कमेंट करके बताना वीडियो कैसी लग रही है। तो ठीक है, मैं यहाँ से एक सेल साइड जाऊंगा, तो मैंने यहाँ पर एक सेल साइड का ट्रेड ले लिया है। क्यों लिया, देखो यहाँ पर क्लियर कट देख सकते हो कि हर दो तीन बायर्स के बाद सेलर्स यहाँ पर आ रहे हैं। ठीक है, और वीक बायर के बाद स्ट्रॉन्ग बायर्स भी आ गए, तो एक साइन ऑफ रिवर्सल है क्योंकि लेवल पर ही आके इसने क्लोजिंग दिया है जहां से ऑलरेडी आप देख सकते हो, हिस्ट्री में देख सकते हो वहां से ही सेलर्स आए हुए हैं। और बायर्स के भी देख सकते हो, दो तीन बायर्स के बाद सेलर्स यहाँ पर आ रहे हैं। तो मेरे हिसाब से यहाँ पर एक रेड कैंडल ही बनना चाहिए, लेकिन जितना हो सके मार्जिन सेफ्टी के साथ ट्रेड लेते तो ज्यादा अच्छा था। यहाँ पर हमारी गलती हो गई, हमने वेट नहीं करा, डायरेक्ट ट्रेड ले लिया क्योंकि बहुत लेट हो चुका था, इसलिए थोड़ा जल्दबाजी में आके मैंने यहाँ पर ट्रेड जल्दी से ले लिया। लेकिन अगर मार्जिन सेफ्टी लेते तो ज्यादा अच्छा है। फिलहाल के दौर में यहाँ पर हमारा विनिंग में आ चुका है ट्रेड। ठीक है, 5 सेकंड बाकी है यहाँ पर, और ये ट्रेड में हमारा विन हो चुका है। तो हमने तीन ट्रेड लिए, तीनों ही विन हो चुके हैं। मैं यहाँ पर पेज को भी रिफ्रेश करके बता देता हूँ। तो मैंने यहाँ पर पेज को भी रिफ्रेश कर दिया है, और मेरा रियल जो डेमो, ये रियल और डेमो अकाउंट भी बता दिया, पेज को भी अपडाउन करता हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू। तो हेलो ट्रेडर्स, कैसे हो? तो अभी हम हमारे सेकंड सीजन पर आ चुके हैं, तो देखते हैं। एक मेरा यहाँ पर लॉस हो चुका था 70 का, तो ठीक है, हम 134 से यहाँ पर कंपाउंडिंग करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर ये लेवल को ब्रेकआउट करता है कि नहीं करता, देखते हैं। ओके, तो मैं यहाँ से एक सेल साइड का ट्रेड लूंगा क्योंकि यहाँ पर जो ट्रेंड चल रहा है वो एक डाउन ट्रेंड चल रहा है। ठीक है, यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल आने के बाद में मैंने यहाँ पर सेल करा। क्यों करा? क्योंकि मार्केट न्यू लो मार के आया है। ठीक है, इसलिए मैंने यहाँ पर एक सेल करा क्योंकि ये एक अच्छा पॉइंट है, आप भी इसको ध्यान से रखना। कभी भी मार्केट ज्यादातर ऐसा होता है कि मार्केट अगर न्यू लो मार कर अगर कोई लेवल ब्रेक करता है ना, तो वहां पर एक रिवर्सल कैंडल बनने के चांसेस बहुत ज्यादा हो जाते हैं। तो एक अच्छा, मतलब एक गोल्डन पॉइंट है कि आपका यहाँ पर इस टाइप से एक ट्रेड बना सकते हो। ठीक है, तो देखते हैं यहाँ पर क्या होता है। कभी कभार ऐसा नहीं है कि हर बार काम करती चीजें, कभी कभार मार्केट मोमेंटम होता है या कोई अच्छा सप्लाई या डिमांड जोन होता है तो मार्केट एक वेव में चल जाता है, उसी डायरेक्शन में चल जाता है। लेकिन ज्यादातर मैंने जितना देखा है मार्केट में ऐसा होता है, इसलिए मैंने बिना मार्जिन सेफ्टी के यहाँ पर डायरेक्ट ही ट्रेड ले मारा, क्योंकि कैंडल भी आप देख सकते हो एक अच्छी खासी स्ट्रॉन्ग बनी, फिर भी मैंने सेल करा। ठीक है, तो ये पॉइंट आपके लिए बहुत काम आएगा, और ये कैंडल भी रेड बनी है देखो। ठीक है, फर्स्ट ट्रेड भी हो चुका, सेकंड ट्रेड करते हैं 251 से। तो देखते हैं कुछ और अपॉर्चुनिटी मिलती है तो। फिलहाल के दोनों नोटिस बंद हो चुका है यहाँ पर। ठीक है, आराम से ट्रेड लेंगे, जहां पर शो लगेगा वहीं ट्रेड लेंगे। ठीक है, यहाँ अपॉर्चुनिटी मिस हो गई हमारी। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, इसके बाद एक और ट्रेड बनेगा हमारा। ठीक है, मैं यहाँ पर अगर जल्दी आ जाता तो शायद बाय का ट्रेड लेता, क्योंकि मार्केट बाइंग प्रेशर के साथ ओपन हुआ,
और अगर यहाँ पर इस लेवल के ऊपर क्लोज होता है तो एक सेल का ट्रेड तो परफेक्ट बनेगा ही सही हमारा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और अगर बीच में क्लोज होगा तो वेट करेंगे, अगर लेवल के पास ही आके क्लोजिंग देता है तो सेल का ट्रेड लेंगे। ओके ठीक है, कैंडल पे गैप डाउन ओपन हुई है, हमें और कंफर्मेशन मिल गई, क्योंकि यहाँ पर देखो मार्केट, यहाँ पर एक सेलर्स का एरिया है, ये सेलर्स का एरिया, यहाँ पर गैप बची हुई है और जो कैंडल ओपन हुई थी वो गैप डाउन भी ओपन हो गई, तो हमारे पास तीन कंफर्मेशन यहाँ पर हो चुकी थी और यहाँ से ऑलरेडी देख सकते हो एक अच्छे खासे सेलर्स आए हुए, तो एक अच्छा ट्रेड है ये हमारे लिए, देखते क्या होता है। लेकिन हमेशा ट्राई यही करना कि मार्जिन सेफ्टी के साथ जितना हो सके, मार्जिन सेफ्टी मैं भी यहाँ पर नहीं ले रहा हूँ, क्या पता क्या हो गया, लेकिन मार्जिन सेफ्टी के साथ ही ट्रेड लेने का ट्राई करो। वेट करते हैं, 23 सेकंड बाकी है यहाँ पर, मेरे हिसाब से तो यहाँ पर एक रेड कैंडल ही बनना चाहिए। ओके देखते हैं क्या होता है यहाँ पर, 10 सेकंड बाकी है। ठीक है, याला ट्रेड भी मैंने हो चुका है, और वीडियो पे लाइक जरूर करना, आप वीडियो देख लेते हो लेकिन लाइक नहीं करते हो तो एक लाइक और कमेंट कर दो तो और अच्छी बात है, तो कोशिश करा करो थोड़ी बहुत लाइक वाइक कर दो मुझे भी, और 1,000 सब्सक्राइबर भी कर दो, बहुत टाइम हो गया 1,000 सब्सक्राइबर नहीं हुए अभी तक मेरे, तो थोड़ा बहुत सब्सक्राइबर भी बढ़वा दो 1,000 तक तो करो, और लाइक भी कर दो, अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक जरूर करना, क्योंकि मैं जितना हो सकता है जितना जो चीजें मैं देखता हूँ ट्राई यही करता हूँ वो सब बताने का हमेशा ट्राई करता हूँ। ठीक है देखते हैं क्या होता है, कुछ लास्ट ट्रेड बचा हुआ है यहाँ पर, अगर मुझे एक अपॉर्चुनिटी मिल जाए एक अच्छी, यहाँ पर एक और सेल का ट्रेड ले सकते थे वैसे, लेकिन मैंने यहाँ पर क्योंकि एक मोमेंटम था अच्छा तो यहाँ ट्रेड लेना अच्छा नहीं समझा। देखते हैं, ठीक है वेट करते हैं, एक जहाँ शोर लगेगा दूसरा ट्रेड लाखरी मतलब वही लेंगे, जल्दबाजी नहीं करेंगे। ठीक है यहाँ पर एक बाय का ट्रेड लूंगा, क्योंकि मार्केट का एक अच्छा खासा मोमेंटम अपसाइड चल रहा है, कैंडल भी एक गैप अप ओपन हुई थी और हल्का सा न्यू हाई भी मार रखा है इसने, अगर आप इस रेड कैंडल को देखोगे तो हल्का सा न्यू हाई भी है, और यहाँ पर मार्केट ने यहाँ पर एक सपोर्ट एरिया भी जहाँ से बायर्स ऑलरेडी उठे हुए भी थे, तो मेरे हिसाब से मार्केट यहीं पर स्टक हो सकता है और ऊपर की तरफ ही जा सकता है चांसेस है। ठीक है, और कैंडल इंगल्फ भी नहीं करा, अगर सेलर स्ट्रॉन्ग होते तो इंगल्फ कर लेते। ठीक है वेट करते हैं, 20 सेकंड बाकी है, अभी तो लॉस चल रहा है, जो भी होता है देखते हैं। आह 12 सेकंड बाकी है और देखते क्या होता है यहाँ पर, न्यू हाई तो मार रखा और बायर्स आ चुके एकदम रिजेक्शन के साथ, 5 सेकंड बाकी है, और ठीक है ट्रेड विन हो चुका हमने यहाँ पर, 3 ट्रेड लिए, तीनों विन हो चुके मतलब सेकंड सीजन में भी। ठीक है मैं पेज को भी रिफ्रेश कर देता हूँ और मेरा रियल डेमो अकाउंट भी बता देता हूँ, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।